जबकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आजकल गर्मी जोरों पर है, लेकिन वादी सबात एक ऐसा इलाका है जहां मौसम इंतहाई खुशगवार है। खूबसूरत नज़ारे सयाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शीरीन ज़ादा किस झील के पास मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। आज इस वक्त मैं धमाका झील में मौजूद हूँ। धमाका झील का अलाम से तकरीबन कोई 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। उतरोड़ से पहले ये आता है और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है यहाँ की। यहाँ हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए। नाम क्या है सर आपका? जी मेरा नाम अदील रियाज है, मैं गुजरांवाला से आया हूँ और हम पहली दफ़ा यहाँ पे आए हैं। ये धमाका झील बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं यहाँ पे और मौसम भी काफ़ी खुशगवार है। सर आपका नाम क्या है और आप क्या कहेंगे? मेरा नाम सजील अहमद है। हम ये कहेंगे कि हम पहले कभी नहीं आए इधर, पहली दफ़ा आए हैं और दूसरी जगहों पे भी गए हैं, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया और यहाँ पे भी आए हैं, यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया धमाका झील में। और ये जो इन्होंने पानी रोक के इधर ये बनाया हुआ है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा मंजर आपको दिखाऊँ, अगर आप देखें तो ये झील के अंदर उन्होंने लकड़ी का खुद एक बनाया है ब्रिज सा। सामने अगर आके बिना आप देखें तो बच्चे वहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमारी बहन जो है ना और बच्चे पानी में पाँव रख के खूब मतलब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा मौसम है और इंजॉय करते हैं और सड़कें भी मतलब इस काबिल है कि वो आप इस पर मतलब आराम से छोटे गाड़ी में अपनी गाड़ी में आप आ सकते हैं। जी लाहौर में रात गए गर्द आलूद हवाएं चलने से जहां गर्मी की शिद्दत में कमी